हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब? चलिए फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बेटा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था और आज हम उसी एक्सपेरिमेंट की जो चीज़ें हैं वो आगे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बेटा वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर आप ये कह सकते हैं दो टॉपिक देता है, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज। आइदर आप ये टॉपिक यूज कर सकते हैं या फिर आप ये टॉपिक यूज कर सकते हैं, दोनों का टॉपिक का मतलब एक ही है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में हमने ये तो देख लिया था बेटा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस में ये पता चल गया था कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की बात की थी। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज नहीं बोल सकते बेटा, एस्टिमेटेड साइज, कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस था उसका एस्टिमेटेड साइज कितना हो सकता है। ठीक, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था बेटा, उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था, इनिशियल में एक ऐसा सेक्शन बना हुआ था, यहाँ हमने क्या रखा था, रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ था। अब इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, और ये अल्फा पार्टिकल्स किस पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे, एटम पे। अब मैं फॉइल नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब हमें पता है एटम है, एटम के पास सेंटर में क्या है बेटा, हमारे पास नाभिक है ना, सेंटर में उसके पास क्या है, आपका नाभिक है। अब देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, अब ये अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका सेंटर है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में भी कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, बट हमें नहीं पता कितना पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक बात इतनी पता है कि अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है, और एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के बुक के गिवन डेटा के हिसाब से, अगर ये अल्फा नेचुरली एमिट हो, नेचुरल कंडीशन पे एमिट किया जाए, तो इसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो 5 मिली सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन तक हो सकती है, अगर ये नेचुरल एमिट हो रहा है तब के केस में। आप इस अल्फा को, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को और ज़्यादा एक्साइट करके, रेगुलेट मतलब ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करके इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बट अगर नेचुरल कंडीशन में देखा जाए तो ये जो अल्फा एमिट होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, कैपिटल एम इज फॉर मेगा एंड स्मॉल एम इज फॉर मिली। ठीक, देखिए अब क्या होगा बेटा, जब ये अल्फा, अल्फा जो है, जो अल्फा पार्टिकल है वो अपनी, क्योंकि इस पे इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी के साथ ही किस तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। तो न्यूक्लियस के पास खुद का भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है मुझे नहीं पता। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। ये खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये लेकिन अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण इस तरफ जा रहा है। ये अब क्या कर रहा है अपनी, क्योंकि इसके पास खुद की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इस, ये देखो इसकी खुद की क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण इस डायरेक्शन में जाएगा। बट क्योंकि दोनों के बीच पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और ये कब तक जाएगा इसके पास में, देखो ये अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के होते हुए भी काइनेटिक एनर्जी के कारण इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। कब तक आगे जाएगा, जब तक अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो ना हो जाए। जब तक, मान लिया यहाँ तक अल्फा पार्टिकल पहुँच गया, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, न्यूक्लियस। मान लो आर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने माना आर नॉट, माना आर नॉट डिस्टेंस पे पहुँचा अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई। क्योंकि देखो क्या कर रहा है अल्फा, आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे, उसको कोई रिपेल कर रहा है, रिपल्शन फोर्स है, ये रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो भाई इसकी एनर्जी तो लॉस होगी ना। तो जैसे जैसे ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हुए आगे बढ़ेगा, इसकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
और ये जब इसकी एक टाइम क्या आ जाएगा, इसकी एनर्जी धीरे 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 करके पूरी कम हो जाएगी। ठीक, तो मान लिया जब इसकी पूरी एनर्जी कम हो गई तो वो यहाँ कहीं पहुँचा हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है, आर नॉट है। समझ में आई चीज़? तो एक मेरे पास इनिशियल कंडीशन हो गई और एक मेरे पास फाइनल कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन मतलब कौन सी पोजीशन जहाँ पे वो इनिशियल में यहाँ पे है। सेकेंड पोजीशन कौन सी मेरी बेटा, ये वाली पोजीशन जहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएं तो क्या होगा, सारे बाकी रेजिस्टिव फोर्स को जीरो मानो, सिर्फ कौन सा फोर्स लेंगे, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाकी फ्रिक्शन विक्शन जो भी जो जो ऐसा जो जो लगाते हो, सारे सारे के सारे जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, सबके सबको क्या मानना है, जीरो मानना है या नेग्लिजिबल मानना है। समझ में आया? अब क्या लगा रहे हैं हम, कौन सा लॉ लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आई कैन राइट मैकेनिकल एनर्जी, कभी कभी लिखने का मौका मिलता है लिख लेती हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, टॉपिक नहीं दिखेगा चलेगा, डायग्राम तो दिख रहा है। अब देखो कौन कौन सी मैकेनिकल एनर्जी भाई, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ से निकल रहा है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। भाई मैकेनिकल एनर्जी मतलब कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो ही तो मैकेनिकल एनर्जी आती है। तो अगर ये इनिशियल में है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्यों आएगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो मिलनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक, क्योंकि देखो काइनेटिक यहाँ से यहाँ पे हाई स्पीड ज़्यादा है, यहाँ जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, जीरो आ जा रही है। मतलब उसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है। यहाँ के अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रुक गया, कौन सी एनर्जी में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वही तो लिखोगे ना दोनों, इनिशियल की काइनेटिक, इनिशियल की पोटेंशियल, फाइनल की काइनेटिक, फाइनल की पोटेंशियल, डन। चलो लिखो, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं तुम लोग कौन सा सिंबल लिखते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये सॉरी आई लिख दिया मैंने, दिस शुड बी एफ, क्लियर। अब देखो इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, नहीं पता मुझे, मैं काइनेटिक एनर्जी लिख ले रही हूँ। फाइनल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। क्यों भैया, स्टॉप हो गया था इस पोजीशन पे, तो आके ये सेकंड पोजीशन है, जहाँ पे भी मुझे नहीं पता कहाँ है, जितनी एनर्जी होगी उतना दूर जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, मैंने डिस्टेंस मान लिया आर नॉट डिस्टेंस पे है, क्लियर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये बहुत बहुत पकड़ पकड़ के मारूंगी अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम लोगों को, सबके सब पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई जो फोर्स है उसी कारण। तो क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। अब देखो मैं इन्फिनिटी क्यों ले रही हूँ, रीजन समझो उसका, हम इस पार्टिकल के लिए लगा रहे हैं, पहले ये सेंटर है हमारा, यहाँ से ये वाला हमारा फर्स्ट पोजीशन, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो के क्यू वन क्यू टू, अब यहाँ ये बहुत दूर रखा हुआ समझते हैं। एक बात बताओ, जैसे एक छोटी सी चींटी है, छोटी सी चींटी है, अब छोटी सी चींटी के लिए अगर मैं दीवार बोलूँ तो दीवार उसके लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाता है, सिंपल सी बात है। एक अगर आप छोटी सी चींटी को सपोज करोगे तो उसके लिए दीवार का डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, दीवार का डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी। सेम वैसी ही चीज़ है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, तो अगर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में आप इस डिस्टेंस को देखोगे तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, हम अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में क्या मान लिया, इन्फिनिटी। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये दो पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय में आर, ये लिखते हो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, अब जब हम सेकंड पोजीशन के लिए लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय में आर नॉट। अब आर नॉट क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का है, अब ये डिस्टेंस तो देखो बस में ही है ना थोड़ा सा, तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल कर सकते हो, बट ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने उस डिस्टेंस को क्या माना है, आर नॉट। मैंने माना है कि अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी के ई से निकला
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हुए आगे बढ़ा अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे कम होती गई और वो फाइनली इस आर नॉट डिस्टेंस पर रुक गया। समझ में आई चीज़? इतना लिख लिया। अब देखो ये के क्यू वन क्यू टू बाई एफ क्या है, ये इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी तुम्हारी, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा मेरी, जीरो आ जाएगी। ठीक, तो फाइनली क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय में आर नॉट, ये वैल्यू आ रही है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है मेरा आर नॉट। अब मेरे को एक बात बता दो, वॉट इज क्यू वन एंड वॉट इज क्यू टू, क्यू वन क्या है अल्फा पार्टिकल का चार्ज, एंड वॉट इज क्यू टू, वॉट इज क्यू टू दैट न्यूक्लियस का चार्ज। समझ में आई चीज? चलो देखो क्यू वन क्या है बेटा, क्यू वन इज चार्ज ऑफ अल्फा, क्यू वन इज चार्ज ऑफ अल्फा इज अ विजिबल पार्टिकल, क्लियर। एंड वॉट इज क्यू टू, क्यू टू इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आई चीज? अब देखो अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज, भाई एक एक पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज लिखते हो ई, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। अल्फा में कितने पॉजिटिव चार्ज पढ़े हैं हम, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं अल्फा में दो पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, टू ई होगा। अल्फा का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, टू ई होगा। क्यों भैया, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज कितना है ई, तो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना होगा चार्ज, टू ई। सेम वैसे ही बताओ, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस में देखो चार्ज यहाँ पे नंबर ऑफ ये एटॉमिक नंबर, समझ में आया, एटॉमिक नंबर जो होता है जेड, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एम आई क्लियर टू यू? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे नाभिक में, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। मतलब समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर मैं बोल सकती हूँ क्या न्यूक्लियस का चार्ज होगा जेड ई, भैया जेड जेड क्या है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स कितने हुए जेड, तो अगर एक प्रोटॉन का चार्ज ई है तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, जेड ई होगा, तो जेड ई हो गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, क्या लिख पाओगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के दैट इज टू ई जेड ई डिवाइडेड बाय आर नॉट। ठीक, टू के जेड, टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। के की वैल्यू आप इजिली लिख सकते हो दैट वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल फॉर्मूला है, किसका, किसका फाइनल फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है रे, लिखा लो किस, ये बहुत ही बेकार सा मैंने बनाया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब किसकी क्लोजेस्ट अप्रोच, अल्फा पार्टिकल की क्लोजेस्ट अप्रोच अप टू दी न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंच रहा है ये अप्रोच। तो भैया ये आर नॉट ही तो है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने ट्रांसफर नहीं किया। ठीक, आर नॉट यहाँ से मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को उधर ट्रांसफर करो, आर नॉट यहाँ मिल जाएगा, तो दैट आर नॉट, ये आर नॉट कौन सा बेटा, यही तो बता रहा है ना कि इतनी क्लोज डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल दिया जाता है। अब सेकेंड चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक, थोड़ा यहीं पे समझो, एक बात बताओ मेरे को, ये अल्फा पार्टिकल जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक यहाँ तक डेरिवेशन क्लियर होगी ना, अब इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ये अल्फा पार्टिकल का बताओ, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्या ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के उतना पास जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ये अल्फा पार्टिकल नाभिक के उतना ज्यादा पास में रहेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो यही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही है, तो ये देखो, और जितना ज्यादा पास जाएगा बेटा वो उतना ज्यादा से ज्यादा नाभिक का साइज बताएगा। कैसे समझो, ये अल्फा पार्टिकल है, मान लो यहाँ से टर्न हो गया, यहाँ तक गया, टकराया, वापस आ गया, रिपेल हो गया, तो ये इतना बड़ा नाभिक होगा अप्रोक्सीमेट साइज। ये अल्फा पार्टिकल और पास गया, मतलब और ज्यादा दूर गया, तो मतलब नाभिक का साइज और छोटा। एक बात समझ आ रही है कि नहीं, अल्फा पार्टिकल आर नॉट जो है, मतलब जितना आर नॉट
जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी आर नॉट उतना कम होगा, समझो मैं यहाँ लिखती हूँ, जितनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या कम होगा मेरा, आर नॉट कम होगा। सबको समझ में आ रहा है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी आर नॉट कम, ठीक। और जितना आर नॉट, देखो एन सम हाउ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज लेस देन, न्यूक्लियस इज लेस देन आर नॉट, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियस जो है, ये देखो न्यूक्लियस किससे कम है, आर नॉट से कम है। तो भाई आर नॉट की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकालो, न्यूक्लियस उससे भी कम आने वाला है। तो हमको सबसे पहले तो आर नॉट की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट, देखो क्योंकि न्यूक्लियस का साइज तो हमें कोई नहीं बता सकता, कहाँ से पता चलेगा भैया, हर एक एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होता है, हर एक का न्यूक्लियस का साइज अलग हो जाता है। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसके लिए जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आर नॉट कम होगा, ठीक। और जो न्यूक्लियस होता है, वो आर नॉट से कम होता है। तो अगर आर नॉट की मिनिमम वैल्यू निकाल ली जाए तो कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा कि भैया इससे, इस वैल्यू से भी क्या होता है, न्यूक्लियस मेरा कम होता है। समझ में आया चीज़। चलिए फिर नेक्स्ट टारगेट करते हैं, क्या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर नॉट की, ठीक। अब आर नॉट की मिनिमम वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, कंडीशन लगाओ सीधी सीधी सी बात कि सारी वैल्यू पुट करनी, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी, यही वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन, यही वाली, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तब आर नॉट क्या है, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं गोल्ड फॉइल के लिए कैलकुलेट करूं तो गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर 79 फॉर गोल्ड फॉइल और गोल्ड यू कैन राइट, ओके। एंड ये दोनों वैल्यूज कौन से फॉर्मूले में रखना, आर नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था 2ZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, ये वाले फॉर्मूले में। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 9×10⁻⁹ होता है, इंटू 2×Z की वैल्यू 79 है, ये आपको पता है दैट इज 1.6×10⁻¹⁹, दैट 2², ठीक, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दैट इज मेगा यानी 10⁻⁶ एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6×10⁻¹⁹। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं फाइनल वैल्यू आपको बता दे रही हूँ, फाइनल वैल्यू जो आती है बेटा दैट विल कम 3×10⁻¹⁴ मीटर आती है, ठीक। तो मतलब समझो इतना कम, 3×10⁻¹⁴, इसको हम एक और तरीके से बुक में लिखते हैं, दैट इज 30×10⁻¹⁵ मीटर लिखा जाता है। द रीजन इज 10⁻¹⁵ को हम एक नई यूनिट से शो करते हैं, दैट इज फर्मी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻¹⁵ मीटर इज इक्वल्स टू 1 फर्मी। तो इसको हम नई यूनिट से दिखा देते हैं, दैट आर नॉट इज इक्वल्स टू, और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल्स टू 30 फर्मी। 30 फर्मी मतलब 30×10⁻¹⁵ मीटर यू कैन से। समझ में आई। तो अब एक बात बताओ, जब ये आर नॉट इतना आ रहा है, मतलब ये जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 30 फर्मी, मतलब 30×10⁻¹⁵, मतलब जो अल्फा है बेटा वो इससे भी कम है, अल्फा जो है वो इस वैल्यू से भी कम है, 30 फर्मी से भी कम है, मतलब और बहुत छोटा होगा, मतलब सोच लो कितना छोटा है। तो इसीलिए इस टॉपिक को क्या कहा जाता है, आइदर यू कैन से कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि हमने देखो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, और यू कैन से एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज, इसीलिए बोलते कैलकुलेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं कि ये इस वैल्यू से भी क्या होगा, कम होगा न्यूक्लियस का साइज। समझ में आया सबको। चलो अगर इतना समझ में आया हो तो इस बेसिस में एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक, ताकि आपको थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाए जस्ट, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, अब शायद दिख रहा हो कुछ कुछ। देखो एक बोल रहा है अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5, ये क्या है रे, लेका लुक मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
आर अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। अब सोचो, खुद इमेजिन करो, दिमाग में लाओ, थोड़ा पिक्चराइजेशन करो। अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है अल्फा पार्टिकल निकल रहा है? कितनी एनर्जी? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ जाके प्रोजेक्ट कर रहा है? यूरेनियम के न्यूक्लियस में प्रोजेक्ट कर रहा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यू हैव टू फाइंड आउट। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखो सबसे पहले तो। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला इजी है बेटा, चैलेंज इज टू कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, जेड इज गिवन। व्हाट इज जेड? 92। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फॉर्मूला यू नो, व्हाट इज द फॉर्मूला? आर नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद हो गया? रे लो, चलो बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन मेरे को याद नहीं हुआ है, 2 × z × e² / kinetic energy। ऐसी कुछ था क्या? चलो अब देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻¹। क्लियर? देन 2 × यूनिट क्यों नहीं चेंज कर रही मैं? यूनिट क्यों नहीं चेंज कर रहे? देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारा हम ऐसा ही में रख रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हमने इधर उधर नहीं रखी है। जब तक हम ऐसा ही में रख रहे हैं, हम क्यों चेंज करेंगे भैया? हम नहीं चेंज करेंगे, हमारी मर्जी। जेड कितना है? 92। देन ई, अभी रहन दो, नीचे में भी ई आने वाला है, उसे काटेंगे। काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा 10⁶। 5 मेगा नरे, किलो मेगा गीगा टेरा पिटा हेक्सा याद है? भूल गए हो तो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इज फॉर ई, अभी ई रहेंगे ऊपर से कैंसिल आउट करने के लिए। एक ई मर गया, क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹, 2 × 92 × हे भगवान उठा ले मेरे को, 1.6 × 10⁻¹⁹ / 5 × 10⁶। इतना को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो लेट मी कैलकुलेट, ये क्या हो जाएगा? ये भी ऊपर जाएगा तो 19 × 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो दैट इज 10⁻¹⁶। करेक्ट? ये 9 ऊपर गया तो माइनस होगा, जुड़ जाएगा दोनों, 25 हो जाएगा। 26 हो जाएगा रे लिख कर लो, ये 25 होगा, 25 में 9 जाएगा तो 16 होगा। करेक्ट? फिर जो बचिया वो लिख लो, 9 × 2 × 92 × 1.6 / में कितना आ रहा है? 5। अब थोड़ा सा काढ़ी करना पड़ेगा यहाँ पे। 9 × 2 = 90 लिख लूँ क्या इसको? हाँ, 16 लिख रहे हैं, नीचे 50 कर लेती हूँ मैं, दैट इज़ -16। मुझे नहीं पता आंसर कितने वाला है, ठीक है? इसमें से कुछ आएगा नहीं आएगा, मेरे को अब डाउट होने लगा अपने आप पे। 10 10 गया, कुछ गड़बड़ है क्या? देखते हैं इसको, ये 9 को 5 है तो अप्रोक्सीमेट 2 लिख लूँ, 10 ही तो होगा क्योंकि, तो 2 × 2 = 4 और तुम्हारा क्या जाएगा? हे भगवान, 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 36 × 16 = जितना भी आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, नहीं पता मेरे को। मैं जितना भी आ रहा हो तुम्हारा, मेरे को इतना पता है कि ये कितना आएगा बेटा, 3 डिजिट वैल्यू आएगी। चलो कर ही लो, 6 × 36 = 6, हाथ मिलाए 3, 6 × 12 = 18, 19 × 20 = 21, और 6 × 3 = 3 तो 6, 7 × 5, कुछ गड़बड़ हो गया क्या रे? अप्रॉक्सीमेट है इसलिए होगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्वेश्चन लेने का रीज़न ही ये था, क्योंकि जब मेरे को डर लगने लगे तो तुमको डर तो लगी गई। यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन को छोड़ मत देना, क्योंकि मैडम बोलोगे तो ये तो 10⁻¹⁶ आ गया, हम करेक्ट करके आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, 10⁻⁶ -16 है, बट यहाँ पे क्या वैल्यू बेटा? 3 डिजिट वैल्यू और है, ठीक। तो अगर इसको समराइज करने जाओगे तो ये 10⁻⁶ को क्या करेगी? चेंज करेगी। कैसे चेंज करेगी? ये किसके सम में है? 1000 के सम में है ना, अप्रॉक्सीमेटली बड़ी वैल्यू की तरफ जाता है हमेशा, ठीक है? वो मैंने कैलकुलेशन कर दिया है ये शॉर्ट में, इसलिए ये और 600 समथिंग कुछ जाएगा, ये 2 को मैंने माइनस किया है ना, इसलिए
ये और क्या होगा, ये और 600 तरफ जाएगा। तो इसका जो समराइजेशन है बेटा वो 1000 के आसपास आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन पावर में कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 to the power 16, इसको 1000 मानोगे या 3 0 इस पावर में। देखो ऑप्शन देख के काम कर रहे हैं, ठीक है, आंसर देख के नहीं भैया, इधर कैलकुलेशन नहीं, ऑप्शन देख के। ऑप्शन क्या बोल रहा है, 10 की पावर में बात कर रहा है। तो भैया यहाँ तो 10 की पावर में -16 आ रहा है, तो मार तो नहीं देंगे ना, क्यों क्यों नहीं मारेंगे भैया, 576 है ऑलरेडी। तो इस 576 को भी तो उस पावर में कैलकुलेट करोगे तब तो बताओगे 10 to the power कितना। तो इसको मानो 10 to the power 3 0 है, 3 0 ही आएगा ऑब्वियस है, तो 10 to the power 16। तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनली, 10 to the power -13, दैट टू इन मीटर। क्यों मीटर, सारा यूनिट मीटर में रखो, और यहाँ आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो अब 10 to the power -13 मीटर बोल लो, या फिर 10 to the power -11 सेंटीमीटर बोल लो, जो बोलना है। तो योर आंसर विल बी 10 to the power 11 सेंटीमीटर विल बी द फाइनल आंसर। कुछ क्वेश्चन समझ में आया ले लेका लोग, इसको कैलकुलेट करके तुम लोग अपने मन से देखना, ठीक है, दिख रहा है, कुछ छोटा करने की कोशिश करती हूँ ताकि तुम लोग को दिख जाए। भगवान कैसे लिख दिया मैंने, नहीं आ रहा है। तुम लोग ये आधा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड, टैलेंटेड बच्चे हो यार तुम लोग, टाइम तो बचा ही लोगे। चलो अब इधर आधा स्क्रीनशॉट ले लो, मिला जुला के लिख लेना, ठीक। चलो अब देखो, इतना कंप्लीट हो गया होगा, डिस्टेंस और क्लोजर सब कुछ कंप्लीट हो गया हो तुम्हारा, तो एक मैं छोटा सा टॉपिक और लेना चाहूंगी, ठीक। दैट टॉपिक इज बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अपना काम खत्म करेंगे, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, पता नहीं कौन है, कौन है कौन है, रसोड़े में कौन था, है ना। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बैठा हुआ है। अब ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है बेचारा किसके पास, कहीं तो भेज देते हैं मैडम आप, बार बार भेज दिया किसके पास, नाभिक के पास, न्यूक्लियस के पास। ये मेरा नाभिक और अल्फा एक जैसा क्यों बन गया भगवान, चलो इसको थोड़ा कुछ चेंज कर देते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जा रहा है किसके पास, जा रहा है न्यूक्लियस के पास घूमने जा रहा है। अब जब ये न्यूक्लियस के पास जा रहा है बेटा, तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर बेटा क्या होता है, एक्चुअली इट्स अ चलो मैं पहले बना लेती हूँ फिर समझाऊंगी। यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल निकला, तो मान लो ये ऐसे निकला, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जब इसके रेंज में आया तो ये ऐसा चला गया। ये नहीं दिख रहा है क्या, ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे निकला है, मैं समझाऊंगी अभी थोड़ा। ये मैं समझ लो, ये किसी अल्फा पार्टिकल का मैंने पाथ ड्रॉ किया है, ठीक। स्टार्टिंग में जब वो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर बताते हैं, अगर मान लो इनिशियल में अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा, कोई अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में देखो इस डायरेक्शन में जाता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, रिपेल कर जाता है। बट डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पे है, समझो मान लिया ये डिस्टेंस क्या है मेरा, बी है, ठीक। किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लिखती हूँ मैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सिस। हाँ लिख लिया मैंने, देखो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सब समझते हो भाई, जिस जो चीज़ मोशन में होगी उसका क्या होगा, एक वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, अब यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हुआ बेटा। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियस एक्सिस से जो डिस्टेंस है, मैंने परपेंडिकुलर तो मेंशन ही नहीं किया, यहाँ पे मेंशन करो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर। देखो मान लो ये पार्टिकल निकला हुआ, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का क्या है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। तो ये पार्टिकल हो गया अल्फा पार्टिकल, इस पार्टिकल का ये क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और तो ये डिस्टेंस देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, क्यों बोल रहे हैं इनिशियल वेक्टर, देखो सबसे पहले समझो,
मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, पार्ट्स में डिवाइड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच का, दो चीज़ों के बीच का, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस एक्सिस। अब बताओ ये अगर अल्फा पार्टिकल है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होगा, ये तो भैया इधर जा रहा है, तो ये यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे ही होगा ये पार्टिकल, ये इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं होगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस एक्सिस। क्योंकि देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अल्फा पार्टिकल, वैसे वैसे इसका क्या चेंज होता जाएगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता जाएगा। अब जब वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा तो इसका डिस्टेंस भी तो चेंज होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से चेंज होगा, तो इसीलिए कहते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसी अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक, किसी अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किससे चाहिए, तो न्यूक्लियस के एक्सिस से चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये न्यूक्लियस का एक्सिस है, ये न्यूक्लियस का एक्सिस है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ। अगर यहाँ की बात करोगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला हुआ। यहाँ की बात करोगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ, ठीक। तो ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते जाते हैं, चेंज होते जा रहे हैं। अब देखो इसको इम्पैक्ट पैरामीटर क्यों बोला गया, इम्पैक्ट पैरामीटर इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि यही तो बताने वाला है कि आपके अल्फा पार्टिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैसे समझो, देखो अगर मैं बोलूँ वैल्यू बी की कम है, डिक्रीज करो बी की वैल्यू, सपोज बी इज जीरो, बी इज वैल्यू, बी जो है वो जीरो है, मतलब बी जीरो है, इसका क्या मतलब है, बी जीरो है इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल इसी एक्सिस पे निकल रहा है, कौन से एक्सिस पे, न्यूक्लियर के एक्सिस पे निकल रहा है। अगर बी की वैल्यू जीरो है मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर एक्सिस पे निकल रहा है, और जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर एक्सिस पे निकल रहा है बेटा तो ये मतलब जाके धड़ाम से टकराएगा यहाँ पे और इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। याद आ रहा है कल का एक्सपेरिमेंट, जो सेंटर पे निकलेगा यहाँ पे भैया अल्फा पार्टिकल इसी एक्सेस में निकलेगा न्यूक्लियर के एक्सेस में, वो तो टकराएगा और वापस आ जाएगा, तो इसका स्कैटरिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसने इम्पैक्ट बताया, बी की वैल्यू ने क्या बताया, इम्पैक्ट बताया कि स्कैटरिंग एंगल कितना होने वाला है, अल्फा पार्टिकल कैसे जाएगा। सेम वैसे ही अगर मैं बोलूँ बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन और बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, जीरो, जीरो से बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है। अब एक बात बताओ, जब b की वैल्यू बड़ी है तब क्या होगा, जब यहाँ पे b है, ये b इतना दूर तक है मान लो, अब क्या होगा, ये यहाँ तक चलेगा, ये यहाँ, ये ऐसे ऐसे वेलोसिटी वेक्टर आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, फिर क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज के बहुत दूर था, तो जो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के बहुत दूर थे वो तो सोचो एटम के खाली भाग में आ रहे थे, खाली भाग में आ रहे थे और विदाउट डेविएशन निकल जा रहे थे। याद करो कल का एक्सपेरिमेंट याद रहा है, जो ज़्यादा दूर है वो क्या करेगा, वो एटम के तो पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट में आएगा नहीं, और जब एटम के पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट में आएगा नहीं तो वो डेविएट नहीं करेगा, डेविएट नहीं करेगा मतलब वो कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, मतलब इसका जो स्कैटरिंग एंगल है वो क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो यही इसीलिए क्या बोलते हैं, बी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। क्या इम्पैक्ट पैरामीटर बेटा, क्योंकि जो बी डिस्टेंस है, जो वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस है आपके न्यूक्लियर एक्सिस से, ये बता देता है कि अगर आपकी बी की वैल्यू कम है तो आपका स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा बेटा, मतलब होगा ही नहीं, जितना ज्यादा ये बी की वैल्यू को कम करते जाओ डिफ्लेक्शन स्कैटरिंग एंगल आपका बढ़ते जाएगा, बी को बढ़ाओ स्कैटरिंग एंगल कम होते जाएगा। एक कॉमन फॉर्मूला दिया गया है जिससे रैंडम आप किसी भी एंगल पे बी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने मत बोलना मेरे को, ठीक है, दैट इज डेरिवेशन इज एक्चुअली नॉट इन योर सिलेबस। ये है के जेड ई स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इन टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो ये वैल्यू है, यहाँ पे
के की वैल्यू एक्चुअली दिया हुआ है, दैट इज 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ काइनेटिक एनर्जी इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू ध्यान रखना, वैसे तो हमेशा ये वैल्यू ही देगा क्योंकि इसी बेसिस में फॉर्मूला डिराइव किया गया है। के जो है वहां पे के की वैल्यू गिवन है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, जेड आपको पता ही एटॉमिक नंबर है, ई आपको पता ही है चार्ज है, थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल है, सबको मालूम है ना, कल का एक्सपेरिमेंट नहीं याद है तो वापस पढ़ना, बहुत मारूंग पकड़ पकड़ के तुम लोग को, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा रदरफोर्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, बट रदरफोर्ड का टॉपिक कंप्लीट करने से पहले बेटा हमें उसके ड्रॉबैक्स पढ़ने होंगे कि भैया रदरफोर्ड अगर था या जब इन्होंने अच्छे खास एक्सपेरिमेंट कर दिया तो फिर बाकी लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई, बोर्स मॉडल क्यों आया, है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम अभी देखते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। देखो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो पहला दो ड्रॉबैक है, एक्चुअली दो ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक आप अगली क्लास के बाद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मैं कोशिश करूंगी उसको समझाने की, बट वो आप अभी नहीं समझ पाएंगे बेटा, वो आप अपना बोर्स मॉडल वगैरह जो स्पेक्ट्रम वगैरह वो पढ़ लेंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको समझते हैं कि जो रदरफोर्ड थे ना बेटा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब समझो इन्होंने कहा, कल का एक्सपेरिमेंट याद है ना सबको, नहीं याद है बेटा रिवाइज करके बैठना, वापस बता रही हूँ मैं, कूटी पकड़ पकड़ के, नहीं तो तुम लोग को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, ये गंदा कर दिया, ये मेरा क्या बेटा न्यूक्लियस है। ठीक, अब देखो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वहां रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कल बताया था मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये कौन, नाभिक, आजा भैया आजा मेरे पास आजा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूटिलाइजेशन करके उस फोर्स को क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर ले रहा है और घूम रहा है बेचारा। ठीक है, और क्या कर रहा है, पाथ में घूम रहा है। तो एक साइंटिस्ट आए हमारे, कौन आए भाई साहब, मैक्सवेल आए, कौन साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। अब जब साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, इन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी हमारे पास एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो क्या करता है, उसके वो एनर्जी लूज करता है। इन्होंने बोला एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल लूजेस एनर्जी, एनर्जी वर्ड यूज नहीं किया था उन्होंने, कोई और वर्ड यूज किया था, आई एम फॉरगेटिंग एक्चुअली, मैं आपको बता दूंगी बाद में डिस्कस करके या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, बट कॉमन सेंस यही था कि कोई भी अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, कोई भी अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल या फिर एनी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यू कैन से, ठीक है, कोई भी अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी लूज करता है। ये किसका, ये वाली थ्योरी किसने दी, ये मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी, मैक्सवेल सर आए, उन्होंने कह दिया कि अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अब यहाँ फंस गया रदरफोर्ड भाई साहब, कैसे फंस गया, देखो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण को यूटिलाइज करके ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहले समझो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या चेंज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज के कारण क्या चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है उसमें, भैया वेलोसिटी चेंज को ही तो आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में है, एक्सेलरेशन में है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है मतलब ये एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, सीधी सी बात, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो अगर कांस्टेंट एनर्जी से घूमेगा तब तो घूमता रहेगा, बट अगर ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा, मतलब इसको क्या करना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, और ऊपर से ये फोर्स अंदर की, एक तो बेचारा क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, और दूसरा ये न्यूक्लियस बदमाश बच्चा उसको खींचे पड़ा है, आ जा मेरे पास आ जा,
तो ये क्या करेगा, अब धीरे धीरे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर उसकी एनर्जी 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 बेचारे की एनर्जी कम होती रहेगी और अंतिम में वो सेंटर पे आके गिर जाएगा, रुक जाएगा, मतलब उसका मोशन स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल था कि इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी थी, ये रदरफोर्ड भाई साहब डिफाइन नहीं कर पाए थे, मेरे भाई साहब नहीं है भाई, ठीक है सपोज कर लो। तो स्टेबिलिटी उन्होंने क्या किया था बेटा, स्टेबिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बाय दी कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। इतनी बेकार राइटिंग, थोड़ा तो समझ जाता, थोड़ी तो सुधर जाती, क्लियर हुआ। तो इनके हिसाब से ये स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की डिफाइन नहीं करता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी से घूमता, बट वो आपको अभी पता, पहले नहीं पता था, समझ में आई चीज। चलिए तो ये इनका पहला ड्रॉबैक हो गया, सेकंड ड्रॉबैक देखते हैं। हाँ, सेकंड ड्रॉबैक समझने के लिए थोड़ी मेरे को भी एनर्जी चाहिए। ही सेकंड ड्रॉबैक ये कहता बेटा, ही कांट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम सिस्टम। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को समझना ही पड़ेगा, पहले वो समझो, मतलब समझो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने कल भी क्लास में बताया था अगर आपको याद हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी कक्षा में रोटेट कर देता है, किसी भी ऑर्बिट में रोटेट करता है, ये इनका स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी ऑर्बिट में रोटेट कर लेता है, मतलब इस भी ऑर्बिट में घूम जाएगा, इस भी ऑर्बिट में घूम जाएगा, इतना बुरा सर्कल, इस भी ऑर्बिट में घूम जाएगा, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, ये किसका स्टेटमेंट था, सर रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड सर के अकॉर्डिंग जो आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन था, वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता था। आई कैन राइट एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला हमको पता ही है कि एनर्जी का है फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। वैसे जब आप स्पेक्ट्रम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो थोड़ा बहुत। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी है, अगर वो इस किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है ऐसा सर ने कहा था, तो अगर वो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो कुछ एनर्जी गेन करेगा तब तो जाएगा। इसकी एनर्जी यहाँ कम है, इसकी एनर्जी मान लो यहाँ पे यहाँ पे 10.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो एनर्जी मेरे को नहीं पता, तो ये यहाँ पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और यहाँ पे 10.1 सेकंड के लिए, तो यहाँ से जब 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा तब इस लेवल पे जाएगा, ठीक। पर उसको हाई एनर्जी लेवल तो पसंद नहीं आता, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज कर देगा और वहाँ वापस यहाँ आ जाएगा, समझ में आई चीज़। पहली कंडीशन, इसका मन है कि भैया मेरे को पहले सेल में नहीं जाना, मेरे को दूसरे सेल में जाना, मैं यहाँ जाऊँगा डायरेक्टली। तो मान लो यहाँ पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, यहाँ पे 10.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल है, तो वो यहाँ चला गया। देखो पहला वाला एनर्जी लेवल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा वाला एनर्जी लेवल 10.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा वाला 10.2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये वैल्यू ले रही हूँ, ठीक। एम आई क्लियर टू यू, ठीक। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन का मान है भैया, उसको जिस ऑर्बिट में कूदना है वहां कूदे, क्योंकि रदरफोर्ड सर ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन है वो हर ऑर्बिट में घूम सकता है, उन्होंने फ्रीडम दे दिया इसको, जहां घूमना है घूम बेटा, तेरी मर्जी है, मैं तेरे को नहीं रोक रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में जा सकता है, कितनी एनर्जी गेन करेगा, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 को रिलीज करेगा, वापस आ सकता है। क्यों वापस आएगा, हायर एनर्जी लेवल पे कौन रहना चाहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है पार्टिकल, है ना, लोअर एनर्जी लेवल ही पसंद होता है पार्टिकल को, पता नहीं जमकर क्यों जाते क्यों आगे। तो ये जैसे अब मान लो इसको फर्स्ट में नहीं जाना, इसको ज्यादा एनर्जी मिल गई, ये कहाँ जम कर जाएगा, सेकंड ऑर्बिट पे जम कर जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको हायर एनर्जी लेवल पसंद नहीं आएगा, ये वापस आ जाएगा, भाई साहब कितनी रिलीज कर दिया, 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब समझो, अब देखो अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जब उसने फर्स्ट ऑर्बिट पे जम किया उसने अलग एनर्जी रिलीज की 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब उसने सेकंड ऑर्बिट से जम किया उसने अलग एनर्जी रिलीज की 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हो रहा है बेटा, एक अलग एनर्जी मतलब एक अलग वेवलेंथ, एक अलग एनर्जी मतलब एक अलग वेवलेंथ, ठीक। मतलब कहीं भी जंप कर रहा है और कहीं जितना जंप करेगा बेटा उतनी हर एक पॉइंट पे कहीं भी जंप कर सकता है ना, जहां जहां जंप करेगा वहां वहां के लिए अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। मतलब देख बात, ये
ऐसा नहीं कि सिर्फ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 पे जंप करेगा, ये क्या कर सकता है 0.10.1 के बाद 10.00012 पे भी जंप कर सकता है, 0.00 या ये कह सकते हो 10.1 के बाद 10.2 में नहीं जाके 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ऐसा करते करते 10.2 पे पहुंच सकता है। मतलब उसकी मर्जी है, वो जिस लेवल पे जाना चाहे उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल के ऑर्बिट में घूम सकता है, उस लेवल के ऑर्बिट में वो जंप कर सकता है। हर एनर्जी लेवल के लिए उसका अलग वेवलेंथ होगा। मतलब इस पैटर्न के लिए हमें जो वेवलेंथ मिलता है ना, ये कंटिन्यूस वेवलेंथ मिलता है। वेवलेंथ कैसा मिल रहा है? कंटिन्यूस वेवलेंथ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई, ठीक है, जब स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई तो एक्चुअल में जो वेवलेंथ का पैटर्न आता है ना, स्पेक्ट्रम का पैटर्न, वो डिस्क्रीट पैटर्न आता है, कंटिन्यूस वेवलेंथ नहीं मिलती। ये क्या करता है, जब इस पैटर्न की स्टडी की गई तो ये जो वेवलेंथ मिल रहा है ना बेटा, ये कंटिन्यूस वेवलेंथ नहीं मिलते। ये कैसे मिलते हैं? डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलता है। मतलब क्या समझ लीजिए, वन मेगा इलेक्ट्रॉन पे कोई हो सकता है, कोई 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे स्पेक्ट्रम मिल सकता है। तो मतलब अलग अलग लेवल पे मिले, मतलब हर वेवलेंथ नहीं मिला जब पैटर्न की स्टडी की गई। तो इसीलिए कहा गया कि इनके हिसाब से जो वेवलेंथ का पैटर्न आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? कंटिन्यूस आना चाहिए। बट एक्चुअल में कैसा आता है पैटर्न? डिस्क्रीट आता है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक का इसका आधा भी समझ गए हो तो बाकी आधा आप अगले बोर्स मॉडल के बाद समझ जाओगे या आने वाली क्लासेस में समझ जाओगे, ठीक है। चलिए बेटा फिर आज यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए बेटा, बाय बाय।